राम भक्त हनुमान को हम न जाने कितने ही नामों से पूछते हैं। कोई उन्हें पवन पुत्र कहता है तो कोई महावीर, कोई अंजनी पुत्र बुलाता है तो कोई कपीश नाम से उनकी आराधना करता है। भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए जिनमें सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए हनुमान जी ने शिव के वीर से जन्म लिया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ था वीर हनुमान जी का जन्म। शिव पुराण में हुए उल्लेख के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत का बंटवारा करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया था। मोहिनी को देखकर कामातुर शिव ने अपनी लीला रचते हुए वीरपात किया, जिसे सप्तऋषियों ने सही समय का इंतजार करते हुए संग्रहित कर लिया था। जब वक्त आया तब सप्तऋषियों ने शिव के वीर को वनराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ तक पहुंचाया। शिव के इसी वीर से अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान अपने बाल्यकाल में बेहद शरारती थे। एक बार सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़ पड़े, जिसे घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार कर दिया। इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा ने आकर हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो उठे। उस समय सभी देवतागण हनुमान के पास आए और उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। सूर्यदेव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान सर्वशक्तिमान बने। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही यह कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी भी बनाया। सूर्यदेव ने पवन पुत्र को 9 विधाओं का ज्ञान भी दिया। सूर्यदेव की तरह यमराज ने भी उन्हें वरदान दिया। यमराज ने हनुमान को यह वरदान दिया कि वह उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वह कभी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे, जिसके वजह से ही कहा जाता है कि कलयुग में भी भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं। कुबेर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान जी को मुक्त कर दिया था। क्योंकि महावीर का जन्म शिव के वीर से हुआ था, महादेव ने कपीश को यह वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। सभी देवताओं की तरह देवसुल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया। इंद्रदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी महावीर को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि इंद्रदेव द्वारा ही हनुमान की हनु खंडित हुई थी, इसलिए इंद्र ने ही उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया। वरुण देव ने हनुमान को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जल की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। हनुमान को अचेत अवस्था से मुक्त करने वाले परम पिता ब्रह्मा ने भी हनुमान को धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वह हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त होंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का वरदान प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप पवन पुत्र बेरोक टोक घूमने लगे थे। उनकी शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे। वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग किया करते थे, जिसकी वजह से एक बार अंगिरा और भृंगुवंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को और बल को भूल जाएंगे और इसका आभास उन्हें तभी हो पाएगा जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। इस घटना के बाद हनुमान बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी। भगवान राम से मुलाकात के बाद जब सीता को खोजने के लिए लंका जाना था, तब समुद्र लागने के समय स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। जब सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब बड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें माँ सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने सीता माँ को
अपना परिचय दिया तब सीता माँ उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे हर युग में राम के साथ रहकर उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जान की माता का अर्थ है कि माँ देवी सीता से महावीर हनुमान को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार कलयुग में भी वह किसी को भी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी यह माना जाता है कि जहां भी रामायण का गान होता है हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। रावण की मृत्यु और लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने हनुमान को यह वरदान दिया था, जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे और आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी, यानी उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार महाबली हनुमान को शक्तियाँ प्राप्त हुई थी और इसलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे कमेंट करते रहिए और बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। हम आपके लिए आपकी पसंद की वीडियोस को प्राथमिकता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।